मीराबाई चानू, जो कि रिसेंटली अभी बर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए दिलवाई है। तो जो मीराबाई चानू हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू द डायस्पोर स्टडी, अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। जो पहले देख लेते हैं हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 का कहाँ पे हो रहा है। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है वो बर्मिंगम में हो रहा है, जो कि एक यूके का सिटी है। बर्मिंगम जो है वो यहाँ पे यूके में है। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं इसको फ्रेंडली गेम्स भी बोला जाता है। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बीच में। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वैसे नेशंस को बोला जाता है जिनका पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ 56 मेंबर्स स्टेट्स। इसमें 56 मेंबर्स स्टेट्स हैं, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द विच आर फॉर्मर टेरेटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, पहले जो ब्रिटिश एम्पायर जिस जिस कंट्री में राज करती थी, पहले जिस जिस कंट्री में ब्रिटिश एम्पायर थी उस कंट्री को मिला के जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाया गया, और उनके बीच में जब स्पोर्ट्स किया जाता है तो उसको कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाता है। द करेंट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लंडन डिक्लेरेशन इन 1949। जब ही का जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है वो 1949 के डिक्लेरेशन के बाद बनाया गया था। जो अभी करेंटली जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में 56 कंट्रीज़ हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें दो टर्म का यूज़ होता है। पहले तो स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क। स्नैच में क्या होता है, इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है, पहले यहाँ से यहाँ तक उठाया जाता है, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक स्नैच बोलते हैं। और क्लीन एंड जर्क में क्या होता है, क्लीनली यहाँ से उठाना होता है, फिर जर्क दे के फिर ऊपर उठाना होता है, तो इसको क्लीन एंड जर्क बोला जाता है। तो ये जो टर्म्स हैं एटलीस्ट ये याद रखना है कि ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और अभी जो है मीराबाई चानू, जिनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू, जो कि 8 अगस्त 1994 में बॉर्न ली थी, एक इंडियन वेट लिफ्टर है। इनका एड्रेस की बात करें तो ये नोंगपोक काकचिंग इम्फाल सिटी मणिपुर से बिलोंग करती है। मीराबाई चानू जो कि अब रिसेंटली जो है गोल्ड मेडल लेके आई है इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि बर्मिंगम में 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से मीराबाई चानू लेके आई हैं। इनकी बात करें टोक्यो में तो 2020 टोक्यो में सिल्वर मेडल लेके आई थी वुमेंस 49 kg कैटेगरी के अंदर। इनको जो है पद्मश्री भी अवार्डेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी वॉज अवार्डेड विद द स्पोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी अवार्डेड है। 2018 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था। आगे बात करें तो जो साइखोम मीराबाई चानू जी हैं उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था नोंगपोक काचिंग, जो कि 30 किलोमीटर इम्फाल सिटी से दूर है जो मणिपुर में है। इनके बारे में कहानी है कि ये जो है बंडल ऑफ फायरवुड यानी कि जो लकड़ी है आसानी से उठा लेती थी एज़ कम्पेयर टू हर एल्डर ब्रदर, और अपने बड़े भाई के कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत थी और जो बंडल ऑफ फायरवुड है जो लकड़ी है काफ़ी आसानी से उठा लेती थी। इनका जो है ट्रेंड हुए ये स्पोर्ट्स एकेडमी इन मणिपुर, जो स्पोर्ट्स एकेडमी मणिपुर में है वहाँ से इनको ट्रेनिंग मिली है। आगे बात करें इनका कैरियर के बारे में तो चानू मीराबाई चानू का जो फर्स्ट कैरियर स्टार्ट होता है ग्लासगांव से, एडिशन जो कॉमनवेल्थ गेम्स का था वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 48 kg वेट कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट बात करें तो 2016 में हालांकि नहीं जीत पाई थी, सी फेल टू कम्प्लीट द इवेंट। 2017 में बात करें तो
गोल्ड मेडल, अगेन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 48 kg कैटेगरी बाय लिफ्टिंग कंपटीशन रिकॉर्ड 194 kg इन टोटल। 194 kg टोटल यानी कि जो स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क मिला के 194 kg का टोटल वेट लिफ्ट किया था इन्होंने। और आगे बात करें तो ये जो है 2017 में गोल्ड मेडल लेके आई थी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि एनहेम कैलिफोर्निया में हुआ था। तो ये गोल्ड मेडल याद रखना 2017 से। 2016 में रियो ओलंपिक्स में इन्होंने थोड़ा बुरा प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है इनका करियर ग्लासगो एडिशन से स्टार्ट होता है जहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था 48 kg वेट कैटेगरी में। आगे बात करें तो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने 196 kg का उठाया था, वेट लिफ्ट किया था, जिसमें इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया लाई थी 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। और आगे बात करें तो 2019 एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था इंडिया के लिए, जहाँ पे उन्होंने 199 kg का टोटल वेट लिफ्ट किया था जो क्लीन स्नैच क्लीन एंड जर्क टोटल मिला के। और जो है 2019 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें कि 201 kg 87 kg स्नैच और 114 kg क्लीन एंड जर्क में किया था। आगे बात करें तो जो है 203 kg का 88 kg का स्नैच एंड 115 kg का क्लीन एंड जर्क, ये इन्होंने अपना पर्सनल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था आगे 2020 सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। और 2021 में अप्रैल 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जो कि ताशकंद में हुआ था। और जब टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था रिसेंटली पिछले साल ही टोक्यो ओलंपिक्स 2020, तो उसमें है कि इन्होंने न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था विद अ सक्सेसफुल लिफ्ट ऑफ 115 kg क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क में 115 kg का सक्सेसफुल लिफ्ट बनाया था, वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट मेडल दिलवाया था और विन इंसोर्ड इंडिया इट्स फर्स्ट मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स। और अभी जो है 2022 में बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलवाया, तो इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड की बात है। जो इनका एग्रीगेटेड टोटल है 88 kg स्नैच एंड 113 kg जो है क्लीन एंड जर्क में टोटल मिला के 210 kg हो जाता है, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एंड फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द बर्मिंघम एडिशन ऑन सैटरडे। यानी कि इंडिया के लिए जो बर्मिंघम 2022 का जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स हो रहा है उसमें इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलवाया। और यहीं पे आगे बात करें तो जो साकेत सागर है उन्होंने इंडिया को सिल्वर मेडल दिलवाया है 55 kg वेट कैटेगरी में। और हम लोग आगे बात करें तो जो है वेट लिफ्टर गुरु राजा पुजारी जो कि 61 kg कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। तो ये भी जो है बर्मिंघम 2022 का कॉमनवेल्थ चल ही रहा है, हम लोग देखेंगे आगे और कौन कौन से मेडल्स आते हैं इंडिया को, आगे हम लोग देखेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।